गाइस व्हाट्सअप, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतीक, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और हम जा रहे हैं एक नए सफर की ओर जो कि है कजाकिस्तान, मेरी कंट्री नंबर 7। हम शेयर करेंगे हमारी जर्नी के बारे में, कैसे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है और कितने रुपए में मिलता है, क्या ये फ्री है, क्या ये फ्री नहीं है, और क्या आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। ये सब जानकारी मैं दूंगा आपको इस व्लॉग में, और कजाकिस्तान में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं ये सब भी मैं बताऊँगा आपको। तो बात की जाए फ्लाइट टिकट की, तो सिर्फ 4,500 रुपये में आपको दिल्ली से शिमकेंट जगह की फ़्लाइट मिलती है, एंड इट्स ओनली फॉर 4,500। कैन यू बिलीव इट कि 4,500 रुपये में आप जा सकते हैं इंडिया से दूसरी कंट्री की। और लगेज 5 kg इंक्लूड था जो कि हमारी फ़्लाइट है 4,500 की। विशाल भाई और मैंने मिल के एक लगेज बाय किया 20 kg का, जिसकी कॉस्ट आई हमें 7,000। तो 3,500 का आपका लगेज भी लगेगा अगर आप बैकपैकर हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप 5 kg वेट लेके जा सकते हैं एंड ट्रैवल कर सकते हैं। सो डीजी यात्रा की ओर से ये सेल्फ चेक इन का काउंटर खुला गया है, जहाँ पे आपको सीधा सीधा बोर्डिंग पास मिल जाता है और आप सीधा ड्रॉप बेल्ट पे अपना लगेज छोड़ सकते हैं। अपना लगेज देने के बाद आपका काम ख़त्म, आपको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा, टाइम बचेगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पी बेल्ट के पास में ही है, तो आप कभी भी आएँ तो डायरेक्ट यहाँ पे चेक इन कीजिए, अपना लगेज ड्रॉप कीजिए और सीधा आप जा सकते हैं। कैसे हो भाई? क्या बात है भाई? भाई बिल्कुल स्माइल देख, तो जो बंदा गैंगटॉक से फिलीपींस से कजाकिस्तान, मतलब बंदा जब अकेले जाता है ना सोलो बिना वाइफ के, कितना खुश रहता है भाई। तो यही खुशी अभी हमें एयरपोर्ट लाउंज में, अगर आपको नहीं पता हो एयरपोर्ट लाउंज क्या होते हैं, यहाँ पे आपको 2 रुपये में अनलिमिटेड खाना मिलता है। जी हाँ, 2 रुपये में अनलिमिटेड खाना विद ड्रिंक्स, कोई भी आपको कोल्ड कॉफ़ी ड्रिंक्स या बियर कुछ भी पीना है तो सब इसमें इंक्लूड रहता है। बट इसकी एक कंडीशन है, आपके पास होना चाहिए अच्छा सा क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से ऑफ़र देती हैं कंपनीज कि आप एयरपोर्ट एक्सेस कर सकते हो लाउंज में। बोर्डिंग करके, जस्ट बोर्डिंग होने वाली है हमारी, और ये रास्ता नीचे जाने को। एंड फिर शुरू हुआ हमारा सफ़र ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ, जो कि थे क्लाउड्स एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स, जो कि जैसे हम लद्दाख में देखते हैं। एंड कजाकिस्तान की ये फ़्लाइट थी, फिर हम थोड़े देर सो गए क्योंकि हमारी फ़्लाइट काफ़ी खाली थी, और फिर हम पहुँचे कजाकिस्तान। तो गाइस ये है एयरपोर्ट जहाँ से हम निकले इमिग्रेशन के बाद, और जस्ट सामने आपको यहाँ पे शिमकेंट टूरिस्ट सेंटर इंफॉर्मेशन मिलती है। ये विशाल भाई खड़े हैं, इन्होंने हॉटस्पॉट लिया है भैया से, सो ही इज़ द गाय। अगर आप कभी भी आते हो तो इनसे मिलो, ये बहुत ही फ्रेंडली है। और ये तो गाइस यहाँ से हम सिटी सेंटर जाने वाले हैं, हमारे पास कैश नहीं है और एक्सचेंज भी कराना है तो हमें सिटी सेंटर जाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं और टैक्सी हमें चार्ज करेगी 150 से 200 रुपए, जो कि यहाँ की करेंसी में होता है 1500 टेंगे। चैनल यस सब्सक्राइब, दिस इज इंडिया। और इन्होंने हमें थोड़ी सी कजाक सिखाई है, थैंक यू रहमत। तो ये वर्ड्स भी याद रखना और सॉरी जरूर याद रखना, जितने भी लड़कियां मिले उनको जरूर बोलना ये सॉरी। सो इट्स कैशिरिनिज, ओके, नोट यहाँ की करेंसी जो भाई ने हमें दी है, क्योंकि अभी हम जाएंगे करेंसी एक्सचेंज करने, उसके लिए हमें चाहिए थी कैब, और कैब के लिए हमें चाहिए थे कुछ पैसे। सो अभी के लिए काम हो गया है, वहाँ जाएंगे फिर हम एक्सचेंज कराएंगे करेंसी। और यहाँ के लोकल टैक्सी वाले हमें बता रहे थे 4,000 टेंगे, जिसका मतलब लगभग 700 रुपये मांग रहे थे फॉर 8 किलोमीटर। बट भाई ने हमें बताया कि इतना नहीं लगता है, यहाँ का सिर्फ 1100 लगेगा, दैट मीन 200 के अराउंड। सो 500 रुपये की बचत हुई, हेल्प की अपने इंडियन भाई ने, यहाँ पर स्टडी करते हैं। सो अभी यहाँ से निकलेंगे हम। हमने एक्सचेंज लिया है यहाँ पे एक लोकल शॉप थी, क्योंकि हमें एक्सचेंज शॉप नहीं मिली अभी तक, आगे जाएंगे, बट हमें यहीं पे काम हो गया
और इन्होंने ज़्यादा हमारा मार्जिन भी नहीं काटा, तो थैंक यू स्पासिबा। 2,000-3,000 माला माल वीकली। कॉफ़ी पीनी है यार, बहुत सिर दर्द हो रहा है थोड़ा, क्योंकि फ्लाइट में बहुत ऊपर नीचे रहता है ऑक्सीजन लेवल, तो एयर प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, तो सिर में दर्द हो गया है थोड़ा। बाकी देखते हैं कहाँ ले जा रही है आंटी। आंटी के पीछे हैं हम कि खुद ही जा रहे हैं? ले आंटी तो चली गई भाई, तो ये देखो रास्ता कितना सुंदर है यार। ये सुबह यहाँ पे आपके नॉर्मल चार्जर कनेक्ट नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो आपका चार्जर इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है कन्वर्टर। तो अभी हम सबसे पहले वही लेने हैं, ये कन्वर्टर लगते ही अपना सेट हो जाएगा मामला। तो ये लेके सिम लेने वाले हैं, सिम सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बाकी ये काम हो जाए फिर देखते हैं। सिम एक्टिवेट हो रहा है हमारा, जिसका कॉस्ट आया 8,000, अनलिमिटेड इंटरनेट है, 35 गीगाबाइट तक अपनी स्पीड अच्छी आएगी, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाएगा। I'm sorry, do you ask with sugar or without? Without sugar. Yes. Can you make some design in the top? Design? Okay. And don't close it, like some good design. Maybe Kazakhstan flag. No, I can't make it. I only can make it like hard. Hard. Okay, always so. With you. Because I only working here for 2 months. New what? Yes, new here. So guys, coffee liye humne. For traveling or? Yes, for tourists. And we are bloggers. Really? Yeah. Who? Wow. Blogger. Blogger. Yeah. Can you just show me your Instagram? Yes. Yeah. We will follow you. Sure. That would be nice. Hello. Yeah. Elena? Alina, yes. Elena. Aida. Aida. What's your name? Pratik. PK. Huh? PK. PK. Yeah. And you? My Vishal. Vishal, nice to meet you. From Mumbai. Mumbai. Wow. Yeah. So, okay. I post travel videos. You have so many followers. Yeah. Oh. Yeah, this is Welcome. India. That's me. I heard like about one city like Kashmir. Yes. Yeah. Kashmir, almost Kazakh. Really? Yeah, the mountains yes. and the scenery uh-huh. and everything, almost similar to Kazakh. Like I think it's more like Switzerland. Like you're going to Almaty. Yes. It's more Good beautiful, night. Really, yeah? than Kashmir. Yeah. शॉप में जो कि है शिमकेंट की सिटी सेंटर के पास में, अभय पार्क पड़ता है, बहुत ही फेमस जगह है। अगर कोई कैफ़े रेस्टोरेंट के शौकीन है तो इस वाली रो में आ सकते हैं। अभय पार्क से दो सिग्नल छोड़ते ही ये रोड है, वो बहुत ही सुंदर है, और यहाँ की वाइब्स अगर कोई कैफ़े या कपल आते हो तो बहुत अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ का इंटीरियर देखो, लोग अच्छे हैं अभी तक। You are also from Shimkent? Yeah. You have been to Almaty? Almaty? Yeah. I've studied there. Okay. There's a village called Sethi. Sethi? Sethi, S-A-T-Y. Candy Lake. Kinda. Yeah. Cold style lake. You need to see it. Yeah. It's beautiful, right? Yeah. From Almaty, we can go by bus or taxi. Yeah. Okay. हम आए अभी स्काई गार्डन कैफे जो है शिमकेंट में, और यहाँ की सबसे बेहतरीन जगह लगी है मुझे। ये कैफे का लुक देखोगे बहुत ही बढ़िया प्यारा है, और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है।
तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ का लुक। या लेट्स गो। क्या शीशा बता रही थी क्या है क्या? यहाँ लोग पार्टी कर रहे हैं। सच ए नाइस एम्बियंस, व्हाट एन एम्बियंस। ये है गैलेक्सी बॉलिंग, तो हम जा रहे हैं बॉलिंग ट्राई करने। सॉरी भाई, जान निकल गई है। हाँ बस एक टीम बन जाए हमारी। थक गया, काफ़ी पैदल किया। यह बढ़िया जगह है, देखो यहाँ बॉलिंग हो रही है, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, तो मस्त इन्जॉय करने वाले यहाँ पे। भाई बताएंगे अभी कितने का गेम पड़ेगा हमको, तो देखते हैं बजट में होगा तो करेंगे, नहीं तो जाने देंगे। करना पड़ेगा 30 मिनट्स के लिए, और यहाँ का प्राइस है 7,000 टेंगे, जो कि इंडियन रुपीस में पड़ता है लगभग 1200 रुपये दो जनों का गेम। सो 600 पर पर्सन में यहाँ बॉलिंग पॉइंट पे आप मस्त बॉलिंग कर सकते हैं। जैसे देख रहे हो यहाँ के लोकल्स काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं जगह को, सो देखते हैं कैसे जाते हैं, बाकी मज़ा आएगा। ये वाली गेम मेरी फेवरेट है। शिमकेंड में अगर आप आ जाओ तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना, क्योंकि ये सिटी टूर है और सिटी में ये चीज़ें आप कर सकते हो, कैफ़े इन्जॉय कर सकते हो, बॉलिंग कर सकते हो, और जो मैंने दो कैफ़े दिखाए थे वो बहुत बढ़िया थे, आप वहाँ इन्जॉय कर सकते हो। और फिर हमने 1 घंटा वहाँ बॉलिंग की, और उसके बाद हम निकले ट्रेन के सफ़र पे। वो आएगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग तक। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो अच्छी लगी तो।